नेक्स्ट इज फुकाई ऑफ लेंस. बेटा फुकाई वर्ड जो है वो हम प्लूरल ऑफ फोकस की जगह यूज करते हैं कि एक से ज्यादा अगर फोकस हो तो हम फोकस के बजाय बेटा फुकाई शब्द यूज कर सकते हैं. अब बेटा लेंस में दो फोकस रहेंगे, कौन से रहेंगे बेटा दोनों को देखते हैं. चलिए बेटा सबसे पहली बात बेटा हम जिस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी बेटा उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे और जिसकी फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव होगी बेटा उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे. ये नाम कैसे है बेटा हम देख लेंगे इस बात को, लेकिन हमारा नोमेनक्लेचर ऐसा रहेगा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेस. जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव बेटा वो कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव बेटा आपका वो डाइवर्जिंग लेंस. नोमेनक्लेचर ऐसा ही रहेगा, कारण हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा. ठीक, वैसे हम जानते हैं कि अक्सर कन्वर्जिंग लेंस कौन होगा, कॉन्वेक्स. अक्सर डाइवर्जिंग लेंस कौन होगा, कॉनकेव. कभी कभी उल्टे भी हो सकते हैं, कब, जब कॉन्वेक्स पड़ा हो डेंसर मीडियम में, कॉनकेव पड़ा हो डेंसर मीडियम में, तब बड़ा उल्टे हो जाएंगे. अदरवाइज हम जानते हैं कि अक्सर कौन कहां कहां कैसे कैसे होगा. बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई लेंस पड़ा है कन्वर्जिंग, बड़ा कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे दिखा सकते हो आप, ये साइन है एक तरीके से, और ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर हमने कोई रेज गिरा दी ऐसे. बड़ा ये रे आ रही है इन्फिनिटी से, ये रे एक्चुअली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और बड़ा इसकी फोकल लेंथ एफ है, और बड़ा हम जानते हैं कि ये कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ कैसे होगी, पॉजिटिव. रिफ्रैक्शन के बाद बेटा ये रेज कहाँ जाएगी, बेटा रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज कहाँ जाएंगी ये पता करने के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. रेज आ रही है ऐसे, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस. हम जानते हैं कि रेज पैरेलल आई है, तो ये कहां से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से. जो पैरेलल रे आ रही है बेटा उसके लिए आप मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हम u को लिख देंगे टेंडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी. बेटा माइनस इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट से आ रही है ना, लेफ्ट बेटा आपका नेगेटिव है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बेटा वैसे भी वो जीरो हो जाएगा. मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/f और इमेज बनेगी f पे, मगर f तो हमारा पॉजिटिव है और f हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो पॉजिटिव साइड है बननी चाहिए और f डिस्टेंस दूर बननी चाहिए. तो आप बोलोगे सर इमेज जो होगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इमेज बनेगी यहाँ की. इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही हो और वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही है और ये डिस्टेंस आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये डिस्टेंस है एफ, और जिस पॉइंट पे मीट कर रही है बेटा दिस पॉइंट इज नोन एज योर सेकेंड फोकस. इन्फिनिटी से इंसिडेंट रेज आती हुई रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर घुस, जिस पॉइंट से बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पर टकराएंगी बेटा दिस पॉइंट इज नोन एज योर सेकेंड फोकस. बेटा मैंने यहीं पे क्यों मीट करा समझ तो गए, v की वैल्यू आ गई f, f है पॉजिटिव तो ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड में इमेज बननी चाहिए, यहां आपकी इमेज बन जाएगी. यही काम. अच्छा अब आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि बेटा मैंने यहां पर ना इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा. मान लीजिए ऐसी बेटा कोई और रे आ रही है तो जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जाएगी ऐसे, पैरेलल आती हुई रेज को कन्वर्ज कर दिया है. कौन कर पाएगा कन्वर्ज, जिसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले का हमने नाम निकाल दिया है कन्वर्जिंग लेंस. क्लियर, ऐसा ही एक काम करते हैं. चलिए बेटा एक बार ना जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो उसके लिए भी करते हैं. चलिए बेटा मैं डायग्राम मिटा रहा बेटा, कैलकुलेशन बेटा वही रहेगी मोर और लेस. जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो बेटा उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फोकल लेंथ है नेगेटिव, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस और आपके पास रेज आ रही है ऐसे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है ऐसे, तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस. एफ हम जानते हैं कि नेगेटिव है, एफ हम जानते हैं कि नेगेटिव है. ओके जैसे बेटा मैंने यू को, अरे भाई ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, जैसे मैंने यू को माइनस इन्फिनिटी रखा तो 1/-infinity बेटा ये जीरो हो गया, जीरो होता बेटा वी की वैल्यू वापस आ गई एफ, तो वी आ गया एफ.
लेकिन हम जानते हैं कि ये एफ अपने आप में नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो बड़ा वी की वैल्यू भी बड़ा क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब हमारी जो इमेज है बड़ा वो पॉजिटिव साइड में ना बनकर किधर बनेगी, नेगेटिव। सर नेगेटिव में इमेज बनने का मतलब क्या है? सर क्या इसका मतलब ये है कि रे जाएगी लेंस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके ही आएगी? नहीं 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 नहीं, लेंस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेंस तो रिफ्रैक्ट ही करेगा। तो आखिर रे इधर कैसे आ सकती है? भाई आप इस बात से कन्विंस हो गए कि रेज आ रही है इन्फिनिटी से, तो यू को मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, यू को माइनस इन्फिनिटी रखते वी की वैल्यू आ गई एफ, लेकिन एफ पॉजिटिव नहीं है, एफ नेगेटिव है, तो इमेज बनना चाहिए इधर, इधर बनना चाहिए। इमेज इधर कैसे बनेगी? इमेज इधर क्या ऐसे बनेगी, रे जाएगी टकरा कर यूं आएगी, और वे टकरा कर आएगी फिर तो लेंस तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेंस तो रिफ्रैक्ट करता है। तो आखिर इधर इमेज बन कैसे सकती है, रिफ्रैक्शन के बावजूद इधर रे कैसे बन सकती है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ऐसे बन सकती है कि इस रे को यूं खींच दो आप, और इस रे को अगर आप पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो किसी न किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, और जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी उसको हम बोल देंगे हमारी इमेज, या फिर बेटा इस पॉइंट को हम पहले से ही नाम निकाल चुके हैं कि दिस पॉइंट इज योर सेकंड फोकस। इन्फिनिटी से आती हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेंगी बेटा, दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज योर सेकंड फोकस। ऐसे ही बेटा मैंने अगर कोई और रे भेज दी तो ये रे बेटा जैसे ही आपकी रिफ्रैक्ट होगी रे निकल जाएगी। ऐसे इस रिफ्रैक्टेड रे को बेटा अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो जिस पॉइंट से आएगी बेटा दिस इज योर सेकंड फोकस। बेटा इस नेगेटिव फोकल लेंथ वाले को मैंने डाइवर्जिंग लेंस का नाम क्यों निकाला, आई होप आप समझ गए होंगे। बेटा डाइवर्जिंग इसलिए निकाला कि पैरेलल आते हुए रेस को इसने डाइवर्ज कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज योर सेकंड फोकस। और मैं कहूं बेटा मुझे ये डिस्टेंस लिखनी है, बेटा डिस्टेंस लिखनी है तो क्या लिखूं? बेटा एफ मत लिख देना, एफ तो खुद नेगेटिव है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, बड़ा मुझे डिस्टेंस लिखनी है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर माइनस एफ लिख दो, एफ नेगेटिव है उसका नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव। आपको ज़्यादा दिक्कत है बड़ा मैं मोड लगा देता हूँ, मोड लगाते बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा ही खत्म हो गया। आप जानते हो कि एफ भले नेगेटिव हो मोड लेते अपने आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस अगर किसी को लिखना हो तो आप मोड ऑफ एफ लिख सकते हो। तो आई होप बेटा आप लोगों को सेकंड फोकस का फंडा क्लियर हो गया। सेकंड फोकस वो पॉइंट है जहां पर रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्राइक करेंगी। अगर रेज शुरुआत में कहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बेटा एक लाइन लिखेगा, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then after a refraction they will strike principal axis at second focus। बेटा second focus पर strike करेंगे। I hope that's okay। चलिए बेटा next is, बड़ा अब आपको ये भी आइडिया लग गया कि सर सेकंड फोकस है तो पक्का है कोई ना कोई फर्स्ट फोकस भी होगा। हाँ बेटा फर्स्ट फोकस भी होगा, उनको भी देख लेते हैं। चलिए जी फर्स्ट फोकस कैसे सुनेगा बेटा, फिर से मेरे पास दो केस हैं बेटा, मेरे पास ये अपना कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है बेटा, ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है उससे रेज गई और रेज जाने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज यूं चली गई है बेटा। यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट में रेज निकली रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब बात सुनना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है तो इसका मतलब इमेज कहां बन रहा है बेटा, रेज यू आ रही तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। तो आप बोलोगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है, इट मींस दैट हमारी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, वी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या हो गया, जीरो। तो सॉल्व करते ही यू की वैल्यू आ गई है माइनस एफ। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट माइनस एफ पे पड़ा है,
बेटा माइनस एफ, एफ तो पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव में पड़ा है, क्योंकि एफ खुद पॉजिटिव है, बाहर साइन क्या है माइनस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां से नेगेटिव में पड़ा है, यहां कहीं आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है और इससे रेज निकली, इससे रेज निकली और ये जो डिस्टेंस है ये आपके एफ के बराबर है। ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि उससे रेज आए 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 और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज योर फर्स्ट फोकस। आई होप आप लोग बड़ा इस बात को याद रख लोगे। पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेंगी वो सेकेंड फोकस। कहां पर ऑब्जेक्ट करूं, ऑब्जेक्ट पुट करूं कि उससे निकली हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, बट दैट पॉइंट इज योर फर्स्ट फोकस। ये पॉइंट आपका बड़ा फर्स्ट फोकस। बढ़िया काम है बेटा, ऐसा ही काम। अच्छा बेटा एक मिनट, अभी भी इस लेंस ने तो रेज को कन्वर्ज ही किया है। अगर मान लो लेंस पर ना गिरी होती तो रेज यूं जा रही थी, लेंस ने अपनी तरफ से कोशिश तो की कन्वर्ज करने की, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस हम अभी भी बोल ही सकते हैं। ऐसा ही काम, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही काम बेटा हम एक बार के लिए हमारे डाइवर्जिंग वाले के लिए भी करते हैं। बेटा डाइवर्जिंग के लिए कहानी ऐसी, ये डाइवर्जिंग हम जानते हैं कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। बेटा मैं चाहता हूं कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यू। तो इसका मतलब रेज यू आ रही है, ये साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। अगर रेज आप चाहते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो वी मस्ट बी टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, तो वन अपॉन वी बेटा क्या हो गया जीरो, तो यू की वैल्यू आ गई माइनस एफ। मगर एफ तो खुद नेगेटिव है, एफ खुद नेगेटिव है, एक नेगेटिव और आ गया, तो बेटा यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होना चाहिए। सर इधर ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा हो सकता है? बड़ा इधर ऑब्जेक्ट याद करो कैसे पड़ा हो सकता है, पॉजिटिव साइड में ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा हो सकता है। आई रियली होप बड़ा आपको याद होगा कैसे ऑब्जेक्ट पड़ा हो सकता है पॉजिटिव में, जब रेज यू आए और रेज यू आए, रेज यू आई यू आई यू आई ऐसे ले आओ बड़ा, रेज यू आई ऐसे। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट, एंड इन दिस केस बड़ा दिस पोजिशन is known as your first focus। बेटा ये आपका first focus है, first focus वो point है जहां पर अगर object पड़ी हो तो refraction के बाद जो rays हैं बेटा वो principal axis के parallel हो जाए। I hope you get the point। ये बेटा हमारे first focus और second focus के concept हो गए।